वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा हिंदी थर्ड क्लास का जो टॉपिक है प्रकृति, जो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, पोइम को ध्यानपूर्वक पढ़ा था और समझा था, तो आज इस पोइम के हम क्वेश्चंस और खालिस्तान करेंगे, प्रश्न उत्तर और खालिस्तान करेंगे। तो प्रकृति हमें, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा बताया गया प्रकृति के जैसा बनने की प्रयास करना चाहिए, कि पिछले जो मैंने लेक्चर में बताया था कि हमें हमेशा प्रकृति की जैसे बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? जैसे पहाड़ है अपना शीश उठाकर जीता है, उसी तरीके हमें शीश उठाकर एक हिम्मत से जीना चाहिए। और जो आकाश है वो सारे संसार में अपनी अच्छाइयों से, अपने जो चीज़ों से वो फैल जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़नी चाहिए हमारे समाज और संसार में, और सारे संसार में फैलना चाहिए। और सागर की जो लहरें होती हैं वो हमें क्या संदेश देती हैं, उसके जैसा क्यों बनना चाहिए? कि सागर की जो लहरें हैं वो उठती हैं और गिरती हैं, गिरने के बाद फिर दोबारा जोर से उठती हैं, इसलिए हमें भी कठिन परिस्थितियों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। और जब भी हम नीचे डाउन होते हैं, गिरते हैं, तो हमें दोबारा दुगनी एनर्जी और दुगनी हिम्मत से दोबारा उठना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये कविता पढ़ा था। इस कविता के जो कवि हैं, कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता के कवि कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। तो आज हम इनके कवि परिचय भी पढ़ेंगे। जैसे 22 फरवरी 1906 को कानपुर के पास बिंदकी नामक स्थान पर जन्मे सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि हैं। ये जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, 22 फरवरी इनका जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी 1906 को कहां पे हुआ था? कानपुर के पास बिंदकी नामक स्थान पर। ठीक है, ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। जो ऊर्जा और उनमें चेतना थी, उनकी रचयिता रचनाओं से उनको खुश होकर राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भी किया जा चुका है। 1 मार्च 1988 को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी चिर निंद्रा में लीन हो गए। 1 मार्च 1988 को उनका निधन हो गया था, वो उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उनका स्वर्गवास कब हुआ था? 1 मार्च 1988 को। इनके द्वारा लिखी गई शिशु भारती, बच्चों के बापू, बिगुल, बांसुरी और झरना जैसी दर्जनों रचनाएं बच्चों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं रची जो बहुत ही रोमांचक हैं, बहुत ही मनोरंजन वाली हैं और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। इस प्रकार हमने कवि का सामान्य परिचय पढ़ा। तो पिछले जो लेक्चर में हमने शब्दार्थ कर लिए थे, अब आज क्या करते हैं, कुछ मौखिक प्रश्न है तो उनको पढ़ेंगे, उनका उत्तर देंगे। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। तो प्रस्तुत जो कविता है प्रकृति, उसके कवि का क्या नाम है? सोहनलाल द्विवेदी जी, श्री सोहनलाल द्विवेदी। दूसरा खै क्वेश्चन है, मृदुल शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो मृदुल शब्द का विलोम, मृदुल शब्द का उल्टा क्या होता है? तो मृदुल शब्द का उल्टा होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। मृदुल का जो अर्थ होता है मधुर, और उसका उल्टा क्या होगा? कड़वा। शीश कौन उठा रहा है इस कविता में? शीश कौन उठा के जी रहा है, कौन उठा रहा है? तो शीश पहाड़ उठा रहा है। गय चौथा प्रश्न है, लहरा कौन रहा है? लहरा सागर लहरा रहा है, सागर की लहरें लहरा रही हैं। तो इसी प्रकार आगे कुछ सही विकल्प वाले मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, उनका हम आंसर देंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इनमें से तीन तीन विकल्प दिए गए हैं, उनमें जो सही है उस पे हमें निशान लगाना है। तो क्या है, कौन लहरा रहा है? तो कौन लहरा रहा है? सागर। कौन लहरा रहा है? सागर। दूसरा ख, पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है? पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है इस कविता में? धैर्य। क्या? धैर्य नहीं छोड़ने के लिए कह रही है। मृदुल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, जब
विलोम शब्द का जिक्र आया था, तब मैंने बताया था कि मृदुल का जो अर्थ होता है वो होता है मधुर। आगे पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें ये पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो इन पद्यांश को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पृथ्वी क्या कहती है, पृथ्वी हमें क्या कहती है, पृथ्वी हमें धैर्य ना छोड़ने के लिए कहती है। पृथ्वी हमें धैर्य ना छोड़ने के लिए कहती है। नब क्या ढकने के लिए कहता है, नब सारा संसार ढकने के लिए कहता है, नब सारा संसार ढकने के लिए कहता है। पृथ्वी का विलोम शब्द, पृथ्वी का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। पृथ्वी का क्या बताना है, हमें विलोम शब्द बताना है। पृथ्वी का विलोम शब्द लिखते, पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश या आसमान, तो आकाश लिख देते हैं। अब संसार शब्द का वर्ण छेद करना है, संसार शब्द को टुकड़ों में वर्ण में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार संसार शब्द का आता से प्लस है प्लस मैं आधा प्लस से आधा प्लस आ प्लस रे आधा प्लस है। तो ये है संसार का वाणी छेद। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा, जो हमने क्वेश्चंस किए, जो हमने खालिस्तान किए। Thank you.